ऊपर केस यहाँ चल रहा है, विदेश में केस चल रहा है, देश में केस चल रहा है, ऐसे झूठे झूठे आरोपों की बात हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा, मनोज सही काम कर रहे हो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहने दो। तो कुत्ते जब भौंक रहे थे तो इसका मतलब वो कौन से कुत्ते थे? वो कुत्ते थे जो व्यवस्थाओं को परिवर्तन नहीं करना चाहते। ऐसे कुत्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने तुम्हारा तुम थोड़ा अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि पागल कुत्तों का इलाज हमारे देश में अंदर आपको पता ही है क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। देखिए, माइक फिर से हाथ में आ गया है और मैं आज आया हूं तो बात करने आया हूं, उन सब लोगों से बात करने आया हूं जिन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया, सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, प्यार दिया। उन बुजुर्गों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस लड़ाई में भागीदार बने। बुजुर्गों की आवाज़ हमने जिस ढंग से उठाई, जिस शिद्दत से, लगन से उठाई कि पूरे देश ने हमें अप्रिशिएट किया। और आज मैं आया हूं क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं। नतीजे क्या आएंगे ये तो ईश्वर में और ईवीएम जानती है, ईवीएम के अंदर हमारा किस्मत बंद है। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने आया हूं, बात करूंगा मैं, चाहे वो ईपीएस 95 की बात हो, चाहे बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, चाहे ड्राइवर भाइयों के साथ हुए अन्याय की बात हो, अत्याचार की बात हो, ये घटनाएं घटित क्यों हो रही हैं, ये सब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सही तरीके से भाई ईपीएस 95 की योजना सरकार लाई थी तो क्यों उसके अंदर ऐसे उल्टे सीधे फार्मूले बनाए जा रहे हैं, कौन है ये लोग जो कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा देना नहीं चाहते, और सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं, क्या व्यवस्थाएं जनता को न्याय दे पा रही हैं, या जनता अब इन व्यवस्थाओं से तंग आ गई है और जनता कह रही है कि अब व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। मैं सीधा सीधा सा एक एग्जांपल बता दूं, जो अभी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, इसमें कोई भी खुश नहीं है, कोई भी इसमें आपको किसी को खुश नहीं कर पा रही है। कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन 70-80% लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और वो चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा सबसे कमज़ोर के साथ हो रहा है। मैं बुजुर्गों की बात करूं तो देश के अंदर करीब करोड़ों की संख्या में बुजुर्ग वोटर हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, और फिर नई योजनाएँ आती हैं। ये व्यवस्थाएं दिखाने पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, दिखावे का सिस्टम ज़्यादा है, सिंबलिज्म की राजनीति ज़्यादा है, और ये राजनीति को ही बदलने की बात हो रही है। इस देश के अंदर हम लोग माने या ना माने, राजा ही हमें पसंद आ रहा है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन क्या कहते हैं ये, मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, राहुल सरकार, क्या कहते हैं ये कि राहुल गांधी के नाम पर वोट दो, मोदी के नाम पर वोट दो, या फिर केजरीवाल के नाम पर वोट दो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उस सांसद के नाम पर वोट दो। उस सांसद को कौन पहचानेगा, उस सांसद की क्या वैल्यू है, उस सांसद का क्या काम है, उस सांसद का क्या विचार है, है ही नहीं विचार। सांसदों के नाम पर इन पार्टियों ने गुलाम बैठा रखे हैं, अपने अपने गुलाम हैं, टिकटों का सौदे करते हैं ये लोग, और जिन लोगों को लेके आते हैं वो ना तो उनके पास अपना नैतिक बल होता है, ना ही उनके पास अपना करैक्टर होता है, वो सिर्फ एक हुक्म के ताबेदार होते हैं, जो मालिक ने हुक्म किया वही वो यस करेंगे, और उसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ताज़ा मामला मैं बता दूं कि स्वाति मालीवाल वाला मामला आपने देखा होगा, किस तरीके से उसके साथ अभद्रता की गई। ऐसे ही एमपीस की इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कहने को ये राज्यसभा के लोकसभा के एमपी बन जाते हैं लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं होती, ये सिर्फ गुलाम होते हैं। तो ऐसे गुलामों से ही हमारी संसद भरी पड़ी है, इसमें कोई स्वच्छंद विचार वाला जा नहीं सकता, क्योंकि ये मुश्किल इतना बना दिया है, चुनाव इतना मुश्किल बना दिया है, व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई हैं कि उसमें गुलाम ही आगे बढ़े, कमजोर ही आगे बढ़े, जिसके पास नैतिक बल ना हो वही आगे बढ़े, जो थोड़ी सी भी करैक्टर की बात करे, सही बात करे, उसको तो आगे ही मत बढ़ने दो, उसके साथ बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर दो, उसको बहुत तरीके से निगेटिव करो, उसको बहुत तरीके से डिमोरलाइज करो। मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग आए और उल्टी सीधी कंप्लेंट भी की उन्होंने। मैं बता दूं, किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कंप्लेंट नहीं हुई लेकिन मेरे खिलाफ डीएम ऑफिस के अंदर लोगों ने ईमेल लिखा, तो डीएम और ऑफिस और स्टाफ के पास ईमेल लिखा, मेरे ऊपर
आरोप लगाए गए, झूठे सच्चे आरोप बनाकर कुछ लोगों ने कोशिश की कि इसका चुनाव में भागीदारी रोक सके, लेकिन उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा। डीएम और उनके स्टाफ ने कहा, मुझे बुला के कहा, क्या तुम्हारे ऊपर क्या लोग ऐसे ईमेल और ये हमको लिख लिख के भेज रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस यहाँ चल रहा है, विदेश में केस चल रहा है, देश में केस चल रहा है, ऐसे झूठे झूठे आरोपों की बात हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा, मनोज सही काम कर रहे हो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहने दो। तो कुत्ते जब भौंक रहे थे तो इसका मतलब वो कौन से कुत्ते थे? वो कुत्ते थे जो व्यवस्थाओं को परिवर्तन नहीं करना चाहते। ऐसे कुत्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने तुम्हारा तुम थोड़ा अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि पागल कुत्तों का इलाज हमारे देश में अंदर आपको पता ही है क्या है। लेकिन अब जब हम चलेंगे तो लोग तो अटैक करेंगे ही करेंगे, जब मैदान में उतरेंगे लोग अटैक करेंगे करेंगे। बहुत कोशिश की उन्होंने लेकिन कामयाब नहीं हुई, अच्छे से नॉमिनेशन हो गया, अच्छे से चुनाव लड़ा, बहुत सारी शक्तियाँ आईं, कुछ उल्टा सीधा कमिटमेंट करने के लिए शक्तियाँ आईं, कुछ पहले विरोध करने लगे फिर फेवर में आ गए, लेकिन उनके मन में चोर था। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारी लोग थे, लेकिन हाँ कुछ भी सही, इस चुनाव में हमने बुजुर्गों का मामला दर्ज किया, हमने बुजुर्गों की आवाज़ दर्ज की, हमने हमारी और आपकी आवाज़ को जिस बुलंदी से उठाया उससे बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की। कुछ देखो, जब अगर 1000 अच्छे लोग होते हैं तो 10-20 लोग बुरे भी होते हैं, तो बुरों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है कहते हैं, उसका गड्ढा खुद खुद जाता है। जो हमारे को उल्टा सीधा बोल के हमारे खिलाफ कंप्लेंट करते हैं वो खुद जेल काट आए। तो ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे कहते हैं ऐसे ऐसे चिरकुट झींगुर और किस किस तरीके के लोग, और क्या कहेंगे, कॉकरोच टाइप के लोग हैं, दो मुहे सांप टाइप के लोग हैं। लेकिन उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सांप के फन को कुचलना अब जनता ने सीख लिया है, और जिस तरीके से बुजुर्गों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आज ये मैं जो चुनाव के लिए, तो चुनाव तो हो गया, चुनाव के बाद जो रिजल्ट है आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें ये लड़ाई अब आगे कैसे बढ़ानी है, मैं लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ, लगातार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे कैसे चलें, कैसे बढ़ें आगे, कैसे हम विजय श्री को प्राप्त हो, कैसे चुनाव जीतना एक विजय होगी, अगर जीत गए चुनाव तो एक विजय होगी, नहीं जीते और अच्छे नंबर पर वोट आए तब भी एक विजय होगी, लेकिन उससे आगे क्या। तो आप लोगों से मैं कमेंट में अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे बताएं कि आगे हम क्या करें, कैसे आपकी भागीदारी और मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो क्या तरीका निकले जिससे मैं आपसे लगातार जुड़ा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी बाध्यताएं हैं, मेरी भी कमिटमेंट है, मेरे भी मुझे भी रोजी रोटी के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा रहूँ, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा हमें जिससे हम लंबे वक्त तक साथ रहें, और जब तक हमारा संकल्प पूरा ना हो कम से कम तब तक तो हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। यहाँ तक की योजना मेरे पास थी, इसके आगे की योजना आपको बनानी है, प्लान टू फेल बनाना है। प्लान टू फेल मैं कहता हूँ अक्सर, प्लान टू फेल का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में हम तैयार हों, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी आए, हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम उस परिस्थिति से निकल आएं। अब चुनाव के ईवीएम का कोई भी रिजल्ट आए, लेकिन हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम उस परिस्थिति से हम आगे बढ़ जाएं, ना कि वहाँ पर हमारी गाड़ी रुक जाए। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा कमेंट में अगर इतना लिखना, एक तो आज मैं कमेंट लिखवा रहा हूँ आप सबसे, ये लिखिए कि क्या आपको मेरी लड़ाई, मेरा लड़ना, मेरा चुनाव लड़ना, मेरा तरीके, मेरी प्रचार पसंद आया, तो यस लिख देना। आज सब लिखोगे कमेंट में, बहुत दिन बाद कह रहा हूँ कि यस, सब यस 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 लिख देना। अगर आपको मज़ा आया हो वीडियोस देखने में, आपको समर्थन लगाया हो, तो आप यस लिखना और पूरे जोर से लिखना, और मुझे भी पता लगना चाहिए कि 10, 20, 50, 100, 500 कितने यस आते हैं, कम से कम यस आ रहे हैं। अगर ज़्यादा यस आएंगे तो मैं सोचूंगा ज़्यादा वोट मिले। अच्छा यस वो भी लिखें जिन्होंने मेरे साथ किसी ना किसी तरह का सहयोग किया है, वो यस ज़रूर लिखें, चाहे उन्होंने व्हाट्सएप किया हो, चाहे उन्होंने फ़ोन के माध्यम से किया हो, जिससे मुझे कम से कम पता लगे कि कितने लोगों ने मेरे को सहयोग किया है। अभी मैं अंधेरे में हूँ, तो अगर मेरे पास ज़्यादा यस आ गए तो मुझे पता लग जाएगा कम से कम इतने लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वोटिंग के लिए। अगर पता चला मुझे 10-20 ही यस मिले हैं, उससे तो ज़्यादा मिलने चाहिए, तब तो मुझे पता लगेगा कि यार नहीं,
फिर लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर आपके पास वीडियो पहुंची है ये, तो आप यस जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने भी मेरा साथ दिया था। तो उम्मीद है कि कमेंट में आप यस लिखोगे और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके साथ और आगे जल्दी। अच्छा, ये भी बताना आपके आगे मैं क्या करूँ, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर बताना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिनी संसद।